देखिए, किसी का भी बारे में उल्टा सीधा कहना ये उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है कि मैं आप लोगों को बता दूं, उचित मैं भी मेरे हिसाब से जहाँ तक देखा जाए तो उचित नहीं है, क्योंकि इसलिए आप किसी के बारे में उल्टा सीधा बोले। मनीष कश्यप क्या किए नहीं किए वो उनका मैटर है, ये उनको अच्छा लगा होगा तो बीजेपी ज्वाइन किए, ठीक। अब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, मानता हूँ इस बात को कि तमाम लोगों को साथ जुड़े हुए थे, हो सकता है उनके दोस्त महीन को, लेकिन जो उनके साथ उनका दिल दुखाया हो उनसे, लेकिन उस लड़के का दिल नहीं दुखाया। हालांकि वो लड़की पहले भी विरोध करता था, मोदी जी का विरोध तो पहले भी बहुत बार करी है वो लड़की, मैंने सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा हूँ उसका, और पहले भी विरोध करती थी। लेकिन हम लोग बीजेपी देखिए, बीजेपी के हम लोग विरोध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसका भाषा और जिसका विचार, जिसका बोली, जिसका आवाज़, जिसका भाषण हम लोगों जैसे लोगों को समझ में आता है। क्या कहते हैं, किसी के दिमाग का आप हैक कर रहे हैं, आप गलत है ये। आप किसी को पर्सनल दिक्कत नहीं दे सकती हैं, इसलिए आप वीडियो बना रही, अच्छी बात है, बनाइए, आप पैसे कमाइए, ये तो पैसे कमाने का ही जरिया है ना भाई। हम भी बोल रहे, भाषण दे रहे, हम भी तो कोई लालचन में वीडियो बना रहे हैं ना, नहीं तो हमको क्या जरूरी है लेकिन मनीष कश्यप जी के सपोर्ट में खड़ा होने के लिए भाई। लेकिन वो पैसे एक अलग चीज़ है, एक विचार अलग है। मनीष कश्यप सही है तो सही है, इस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ गलती है उनकी भी। अब वो तो राम जी भगवान तो है नहीं, जब राम भगवान से गलती हो सकती है, शंकर भगवान जी से गलती हो सकती है, तो इंसान उससे भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को समझना है ना, समझना अपने ऊपर डिपेंड है। तब तक के लिए बाय। हमारी बात बुरा लगे हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। भारत माता की जय।